गुड मॉर्निंग पीपल, आज हम जा रहे हैं चंद्रखनी ट्रैक पे जो कि कुल्लू वैली में है और इसे कुल्लू वैली का वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक माना जाता है। हमारा सफ़र दिल्ली से शुरू हुआ था और जैसे ही इन वादियों में आए हमारा मन बिल्कुल ही इन वादियों का हो गया। अब हम हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके थे और जैसे ही इन वादियों में हम आए ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ गए हैं। इतना सुंदर नज़ारा यहाँ का आप खुद देखिए। ये सचमुच कुल्लू वैली का एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पहुँचने के बाद हम फ्रेश हुए, उसके साथ ही हमने अपना ब्रेकफास्ट और लंच किया, उसके बाद ही हमारा ट्रैक शुरू हुआ। और ये ट्रैक हमारा शुरू हुआ रुमसुम वाले रास्ते से। हम चंद्रखनी रुमसुम वाले रास्ते से गए थे। बेसिकली यहाँ तीन रास्ते हैं चंद्रखनी जाने के लिए और अभी मुश्किल से एक घंटा ही हुआ था कि हम सभी लोग इतनी तरीके से थक चुके थे क्योंकि बहुत ही स्टीपी जगह थी। आप कभी भी आएं चंद्रखनी ट्रैक पे तो सभी क्लाइमेट के लिए प्रिपेयर होके आएं, क्योंकि यहाँ कभी भी सडनली बारिश होना शुरू हो जाती है और हम तो वेल प्रिपेयर होके आए थे। इसलिए जैसे ही बारिश हुई हम लोगों ने एक जगह रुककर अपने रेनकोट्स वगैरह पहन लिए, अपने सामान को कवर अप कर लिया। और यहाँ इतनी बारिश हो रही थी कि यहाँ छोटे छोटे ओले भी गिर रहे थे। चलिए मैं आपको वो ओले दिखाती हूँ, रुकिए आप एक सेकेंड। ये देखिए इस तरीके के छोटे छोटे ओले जब सिर पे गिरते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। चंद्रखनी ट्रैक पे जब बारिश होना शुरू हो गई तो हमें ये लगा कि हमारा ट्रैक कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा प्रभावित होगा, लेकिन जैसे ही बारिश की रुकने का हमने वेट किया और बारिश रुकी, उसके बाद का जो मौसम यहाँ हुआ वो देखने लायक था। जब बारिश ख़त्म हुई, क्योंकि बारिश होने की वजह से हमें ज़्यादा यहाँ वेट करना पड़ा, इसलिए उसके बाद हम थोड़ी दूर ही ट्रैक कर पाए और फिर शाम होने लग गई। हमारे सभी दोस्त, सभी जितने लोग हमारे साथ थे वो सभी काफ़ी थक चुके थे, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर कहीं रुकेंगे, उसके आगे ही अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और जब बारिश बिल्कुल बंद हो गई यहाँ, उसके बाद के जो यहाँ के नज़ारे थे वो बहुत ही अद्भुत थे। ये आप देख सकते हैं, देखिए जैसे ही बारिश ख़त्म हुई यहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर थे। इसके साथ ही शाम हो गई थी तो हम लोगों ने और हमारे साथ जो हमारे गाइड थे उन्होंने टेंट वगैरह लगा दिए थे हम लोगों के लिए रहने के लिए। शाम का नाश्ता सभी कुछ वो जो हमारे साथ गाइड हमारे थे वही सब कुछ था, उन्होंने ही सारा खाना बनाया शाम का। हम सब ने शाम की चाय पी, सभी ने उस मौसम को बहुत इन्जॉय किया। और शाम होने की वजह से हम सभी ने डिसाइड किया कि अब बाकी का ट्रैक हम कल सुबह शुरू करेंगे। इसके साथ ही हमारे पूरे ग्रुप ने, इवन जो हमारे सारे गाइड्स थे जो हमारी बहुत हेल्प कर रहे थे, सभी ने मिलकर बहुत मस्ती करी, अपनी लाइफ के अच्छे अच्छे मोमेंट शेयर किए जो कि बहुत ही सुंदर थे। इस तरीके से हमारा पहले दिन की वजह से थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन
वो नज़ारे वो रास्ते बहुत ही मेमोरेबल थे। वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी भी था जो कि बहुत ही हम लोगों के साथ घुल गया था। उसके साथ भी हमें बहुत मज़ा आया। और जब अगली सुबह हम उठे तो हमारे टेंट हाउस के पास में इतनी सारी शिप्स थी कि उन्हें देख के उस मौसम में इतने सारे नेचर को देख के हमारा दिल सुबह सुबह बहुत खुश हो गया। और इसके साथ ही आप कभी भी कहीं भी घूमने जाएं, केवल अपने फुटप्रिंट्स ही छोड़ें, अपने साथ का सभी कूड़ा कचरा अपने साथ ही नीचे लेके आए। इसके साथ ही अगली सुबह हम सभी लोग उठे और नाश्ता करके अपना दूसरे दिन का ट्रैक शुरू किया। हमारे साथ जितने भी लोग थे सभी टेंट वगैरह हमारे साथ अगले दिन के ट्रैक पे चलना शुरू हुए। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हमारे अगले दिन का भी ट्रैक कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हमारा चंद्रखनी ट्रैक जब कंप्लीट होने को आया तो हम कुछ ऐसे नज़ारों पे थे उस समय कि वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जाहिर नहीं कर सकती। आप उसे खुद देखिए कि जब हम टॉप पॉइंट पे पहुंचने वाले थे तो किस तरीके के नज़ारे हमें देखने को मिले, जिससे कि देखकर ही हमें यह लगा कि हाँ, यही एक ट्रैक है जो कि कुल्लू वैली का बहुत सुंदर ट्रैक है। और जितने भी हमने ट्रैक पे चढ़ाई की, जितनी भी मुश्किलें देखी, वो सभी यहाँ आने के बाद ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ से हिमालय बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। सभी लोगों को ये जगह बहुत ही पसंद आई। इसके साथ ही हम यहीं रुके रात के लिए। हमने यह जगह बहुत पसंद आई इसलिए हमने यहीं रुकने का फैसला किया। और सभी ने इस नेचर को बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी कभी किसी ट्रैक पे जाना चाहें तो ज़रूर ही चंद्रखनी ट्रैक पे जाएं, क्योंकि ये अपने में ही एक अलग अद्भुत एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। तो यहीं पे अब मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और आप बस ये नज़ारे देखिए।